हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज कर्मियों पर निजी बस चढ़ाने का प्रयास, चाकू से हमला। पावता चौराहा के पास एक निजी बस से चालक ने रोडवेज कर्मियों पर बस चढ़ाने का प्रयास किया, साथ ही उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक रोडवेज कर्मी के हाथ पर जख्म हो गया। ये रोडवेज कर्मी यहां पर निजी बसों की वीडियोग्राफी कर रहे थे। घटना के बाद आरोपी चालक बस छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं इस घटना के खिलाफ रोडवेज कर्मियों ने काफी देर तक नारेबाजी का प्रदर्शन भी किया। दरअसल जोधपुर में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा रायका बाग रोडवेज बस स्टैंड के आसपास निजी बसों के संचालन का लगातार विरोध किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी आदेश दे रखा है कि रोडवेज बस स्टैंड से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी में निजी बसों का संचालन किया जाएगा। इसके बावजूद निजी बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड के नजदीक किया जा रहा है, जिससे रोडवेज का घाटा उठाना पड़ रहा है। इसको रोकने और निजी बसों की वीडियोग्राफी करने के लिए रोडवेज द्वारा एक टीम बनाई गई है, जो कि बस स्टैंड के आसपास निजी बस कर्मियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। ये टीम रविवार को पावता चौराहा पर बस स्टैंड के पास निजी बसों की रिकॉर्डिंग कर रही थी, जब एक निजी बस के चालक ने उन पर बस चढ़ाने का प्रयास किया। रोडवेज कर्मियों ने जब इस बस को रुकवाया तो उस चालक ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। इस मामले में रोडवेज कर्मी नरसिंह चौधरी के हाथ पर कट के लग गया और वो घायल हो गया। इसके बाद आरोपी बस चालक यहां से फरार हो गया। इस घटना की जब अन्य रोडवेज कर्मियों को सूचना मिली तो वे काफी संख्या में पावटा चौराहा के पास एकत्रित हो गए और निजी बसों के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया। बस ने आरोपी चालक की निजी बस को भी जब्त कर लिया। इसके बाद सभी रोडवेज कर्मचारी महामंदिर पुलिस थाना पहुंचे और अपनी शिकायत पेश की। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से जोधपुर के पावटा चौराहा पर रोडवेज की टीम तैनात रहती है, जिनको ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रखा गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अवैध गाड़ी या बस रोडवेज बस स्टैंड के आसपास नहीं खड़ी होनी चाहिए। रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटना दूसरी बार हुई है और अब इसे सहन नहीं किया जाएगा। अगर समय रहते पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम कर देंगे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।